हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीन नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, महाराष्ट्र में 18 से लेकर 44 साल के लोगों के लिए फ्री होगा वैक्सीनेशन। 6,500 करोड़ यानी 6,500 करोड़ का जो है बजट मंजूर किया गया है और 15 दिन तक का लॉकडाउन बढ़ाने पर भी सहमति बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस खबर को विस्तार से, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ेगा, मंत्री ने दी जानकारी, लेकिन अंतिम फैसला आज। जी हाँ दोस्तों, फैसला आ चुका है, सहमति बन चुकी है, फाइनली जो है अब महाराष्ट्र में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र और मुंबई में थोड़ी कमी देखने को मिली। मुंबई में हालात अन्य जिलों के मुकाबले काफ़ी हद तक अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई में जो है लॉकडाउन जो है जिला वाइज लगाया जाए, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उस हिसाब से जो है लगाया जाए, ताकि मुंबई में जो है रोजगार भी चलता रहे, लोगों की आवाजाही भी ना रुके। बात करें देश में कोरोना से बेहाल है, महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ रोजाना 60,000 से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं और 700 से 800 के करीब जो है लोगों की जानें भी जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार ने 1 मई तक लॉकडाउन की जैसी पाबंदियां लगा रखी थी, हालांकि कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। जी हां, लेकिन सिर्फ 4 या 5 दिनों से हालात में थोड़ा काबू और सुधार देखने को मिला है, इसलिए मंत्री जी ने कहा है, साफ साफ जो है बयान दिया है उन्होंने कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प है कि इसे और ज़्यादा नीचे लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज 28 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया जा रहा है। विजय वेटीदार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी आई, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको दो तरीके से देखने को मिल जा सकता है, संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में सरकार अभी भी नहीं है, यानी एरिया वाइज कंटेनमेंट जोन और डिस्ट्रिक्ट वाइज को ब्लॉक करके अलग अलग कंटेनमेंट जोन बना के जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो अगर मुंबई में, जी हाँ दोस्तों, कोरोना पे कंट्रोल पा लिया गया, कंट्रोल पे पाने के बाद यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले और काफ़ी खुशखबरी वाले हैं कि यहाँ पर मुंबई में जो है हालात पूरी तरह से सही है। तो हो सकता है कि मुंबई में, जी हाँ, लॉकडाउन ना लगाया जाए, बाकी अन्य राज्यों में जो अन्य जिले हैं राज्य के उनमें जो है लगाया जा सकता है। तो फिलहाल आज शाम तक, जी हाँ दोस्तों, इसकी घोषणा कर दी जा सकती है या देर रात तक जो है किसी भी वक्त मुख्यमंत्री इसकी घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से या फिर ऑफिस